बीते दिन तरन तारण च चर्च च हुई बेअदबी के चलते अज जलंधर एडीसी नूं एक क्रिश्चन भाईचारे ने आरोपियों की गिरफ्तारी लई मंग पत्र दिता है। इस मौके पास्टर ने कहा कि तरन तारण च जो पिछले दिन चर्च अंदर तोड़फोड़ ते मूर्तियां नाल जो बेअदबी हुई है उसकी सीसीटीवी दे विच साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग तोड़फोड़ कर रहे ने उन्हां दी पछाण भी हो चुकी है, पर पुलिस ने हजे तक उन्हां लोगों नूं गिरफ्तार नहीं किया, जिस दे चलदे उन्हां ने जलंधर एडीसी नूं एक मंग पत्र दे के एक हफ्ते का समा दिता है। अगर सरकार ने इन्हां आरोपियों नूं गिरफ्तार ना किया तो पूरे पंजाब च चक्का जाम किया जाएगा। मेरा नाम सनावर पट्टी, प्रधान यूनाइटेड पीपल्स लीग, साडे चेयरमैन पास्टर एंथनी मसीह, जॉन मसीह जॉनी जी, जनरल सैकटरी मेना सुरजीत थापर जी, पास्टर गौरव गेल जी, और भी साडी मसीह जथेबंदियां, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री तो पास्टर पत्रस जी। देखो अज इदा है कि जिमें कि मीडिया सारा भली भांति जानता कि अज तो ढाई तो तीन हफ्ते हो गए साडे चर्चस के उत्ते हमले होंदे आ नूं। हुण उहदे विच देखो जिथे डड्डूआणे चर्च के चलती सभा नूं रोका गया निहंग मुखी मेजर सिंह हुणां दे वल्लों, प्लस अपना ठक्करपुरा पट्टी के जिहड़ा साडा चर्च आ उत्थे प्रभु यीशु मसीह जी की और माता मरियम की मूर्ति नूं तोड़िया गया। हुण असीं उहदे संबंध के ना बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम दिते आ, बड़े शांति मार्च किए आ, साडे कैंडल मार्च होए आ, और अलग अलग पंजाब के अलग अलग जथेबंदियों के अलग अलग पास्टरों ने मेमोरेंडम दिते आ। लेकिन मतलब सानू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा कि सरकार ने हले तिकर इन्हां दे उत्ते कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, ना ही उत्थों दे संबंधित प्रशासन ने ते ना ही पंजाब सरकार ने। क्योंकि देखो कुछ अनआइडेंटिफाइड पीपल सीगे जिन्होंने उत्थे जाके मूर्ति नूं तोड़िया, ठीक है सीसीटीवी च आए, लेकिन एक जिहड़े आइडेंटिफाई परसन हैगा जिन्होंने डड्डूआणे चर्च के हमला किया सी, उह तां आइडेंटिफाई हैगा और एफ आई आर दर्ज हुई है, उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो सो ये संबंध के मुख्यमंत्री साहब के नाम का डीसी साहब नूं असीं मेमोरेंडम दिता वा। कि दूसरी सब तो मेन गल तुहानूं एक दसनी चाहुंदा कि साडे पर्चियां दे उत्ते जिहड़े लोकां ने देखे आ, जिहड़े पूरे समाज ने, प्रशासन ने और मीडिया दे विच आए आ, उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि साडे विचारे पास्टर हैगे उन्हां ते नजायज़ ही अजकल 295 दा परचा दर्ज किया करना शुरू कर दिता गया। एक तां साडी इह मंग हैगी कि उन्हां दे उत्ते जिहड़े परचे तुसीं कीते हैगे आ उह तुरंत रद्द किए जाण, ते जिहड़े इन्हां दोषियां दे खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कर की जाती तो असीं 27 तरीक नूं चक्का जाम करांगे जी। एडीसी ने मंग पत्र लैके आरोपियों के उत्ते गिरफ्तारी का भरोसा दिता है ताकि चक्का जाम की नौबत ना आवे। क्रिश्चन भाईचारे खिलाफ काफ़ी जो कुछ शरारती अंसर ने उन्होंने काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ की हैं, जिस करके बड़ा रोष है उन्होंने, रोष है कि साडे धर्म में दबाया जा रहा है, और कितने पास्टर साहब पर कोई परचा भी होया उस बारे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है कि परचा झूठा है। यदि इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस पूरी करेगी इन्वेस्टिगेशन, और जो सच है जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और सीएम साहब के नाम उन्होंने मांग पत्र दिता है, मेमोरेंडम सीएम ऑफिस असी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर सीएम साहब ने जो मीटिंग इन्हों की हो सकती है तो वी विल ऑर्गेनाइज दैट, और जिते भी इन्हों धक्का होया समाज के नाल उन्होंने पूरा जस्टिस दिता जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर तक इन्होंने कहा भी साडा जिहड़ा है सानू जस्टिस मिलना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन च मेमोरेंडम च इन्होंने लिखा है वो तो यही कह रहे हैं कि असी फिर सड़कों पर उतरांगे, धरने देवांगे, धरना प्रदर्शन करांगे, बाकी असी नौबत नहीं आएगी इन्होंने, इस तो पहले ही असी रिजॉल्व कर देंगे। जलंधर तो विनय शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।